ऐतिहासिक वडल मैदान में जूनियर नेशनल स्पेक्ट्रा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिस दौरान समाज सेवी ब्रह्मदास चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथि को शॉल पर टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ब्रह्मदास चौहान ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया व उनको खेलों के प्रति प्रेरित किया। वहीं अपने संबोधन में समाज सेवी ब्रह्मदास चौहान ने कहा कि खेल को देखकर लग रहा है कि खिलाड़ियों में इस खेल के प्रति खासा उत्साह है। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेलों में हार जीत लगी रहती है, लेकिन खेल को नियम के साथ खेलना चाहिए। वही स्पेक्ट्रा एसोसिएशन प्रेसिडेंट पीएन आजाद ने स्वयं से भी ब्रह्मदास चौहान का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता 9 अक्टूबर से चल रही है, जो कि 13 अक्टूबर को समापन होगी। उन्होंने बताया कि यह खेल मलेशिया का है और ये खेल पहली दफा हिमाचल में खेला जा रहा है। इस खेल में लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल किए गए हैं। सौभाग्य के 1वीं जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो चल रही है, उसके आज मॉर्निंग सेशन के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर बीडी चौहान जी, जो कि एक समाज सेवी है, नाचन कंस्टिट्यूएंसी से है, और अभी इन्होंने नागालैंड और उड़ीसा के बच्चों को आशीर्वाद दिया। ये प्रतियोगिता जो है वो 9 तारीख से चल रही है, 13 तारीख तक चलेगी। 27 राज्यों के 650 खिलाड़ी, 150 ऑफिशियल और 50 हमारे टेक्निकल ऑफिशियल इसमें आए हैं। मैं हिमाचल देश स्पेक्ट्रा एसोसिएशन की तरफ से बीडी चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहूंगा और इनके सभी चैनलों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक जो है वो इस आवाज को देना चाहूंगा कि ये स्पेक्ट्रा एक हमारा आधुनिक खेल है, जो मलेशिया का खेल है, और ये पहली दफा इसका राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता जो है वो हिमाचल में होने जा रही है। ये मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज है, प्रायोरिटी गेम है और इसमें ये बॉयज गर्ल्स दोनों में खेला जा रहा है। खुशी की बात है कि हैदराबाद में 2 से 5 तक इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है और मेरा मंडी निवासियों से, हिमाचल के खिलाड़ियों से इसमें अपनी रुचि दिखाए।